हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की ग्रोथ हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रोल रहने वाला है उस सेक्टर के विषय में बात करेंगे, जो है ईवी सेक्टर। ईवी सेक्टर में भी उसका जो हार्ट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का, किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे एनर्जी को कंजर्व करना, फिर उसको ट्रांसफ़र करना अदर यूज़ के लिए, वो इम्पॉर्टेंट बनता है। इन सभी के बीच में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसके विषय में हम डिटेल में देखेंगे। फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है, किस तरह से हम ग्रोथ हिस्ट्री देखने को ले, आप नहीं है लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आप टाइमली नोटिफिकेशन आते हैं। बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम यहाँ पर रेगुलर कमोडिटी के विषय में देखते रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मॉर्निंग से और इवनिंग में दोनों टाइम में ट्रेड कर रहे थे। अभी यहाँ पर ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखोगे, कल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था बैंक निफ्टी के विषय में और उसके कंपोनेंट के विषय में। अगर आप देखोगे HDFC बैंक ने 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है, साथ में अदर बैंकिंग सेक्टर्स में भी टॉप परफॉर्म किया। और दूसरी कंडीशन अगर आप देखते हो तो HDFC बैंक के साथ साथ जो ICICI बैंक है वो टॉप बैंक्स की लिस्ट में भी शामिल हो गया है। तो ये सब कंडीशन यहाँ बनती रहती है। अब अगर आप कमोडिटी ट्रेड करना चाहते हैं, इसके लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड के विषय में हम यहाँ रेगुलर अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अभी फ्रेंड्स, हम पॉजिटिव न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ से अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले RBI गवर्नर आज एड्रेस कर रहे थे बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को एड्रेस करते हैं। उसमें उन्होंने बोला है इंडिया इज़ एट द मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इट्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, मूव टूवर्ड्स द 8% GDP ग्रोथ एंड सस्टेन्ड मैनर में ग्रोथ करने के लिए रेडी है। और उसके लिए फर्दर जो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के लिए, वेरियस स्ट्रक्चर रिफॉर्म, ये सारी कंडीशन अंडरटेकिंग रहेंगी और पॉलिसी इनिशिएटिव एज इट चलता रहेगा। फर्दर इन्होंने बोला है वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट 7.2% ग्रोथ इन करंट ईयर, उसके लिए एकदम कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। साथ में इन्होंने फर्दर बोला है कि 4% इन्फ्लेशन होते हुए भी अभी ऐसी ग्रोथ करना इकोसिस्टम में, ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम में एक बेटर प्लेस में ग्रोथ ड्राइवर के रूप में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कंटिन्यू है। हाई इन्फ्लेशन मेक इकोनॉमी एंड अनकम्पिटिटिव अनफेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर के लिए रहता है, लेकिन उस कंडीशन में भी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन जो बोली है 7.2% के लिए कॉन्फिडेंट है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्टर बना हुआ है। तो ये रहा पॉजिटिव। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम ईवी सेक्टर की बात कर लेते हैं तो बैटरी साइज है 2024 से 2029 में अगर आप इसको देखोगे तो इंडियन जो बैटरी है कंपनीज है उनको डिफरेंट सेगमेंट में लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरी में और अदर टेक्नोलॉजी में वर्क करती हैं। और अभी जो कंडीशन चल रही है, लगातार जो काम कर रहे हैं, इसका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज में बैटरी में होता है, मोटिव सेक्टर में होता है, टेलीकॉम, UPS, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी जगह में होते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव बैटरीज, अलग अलग सेगमेंट में ये सारी यूज होती हुई देखने को मिलती है। तो इसका जो भी मार्केट साइज 2024 में है $7.2 बिलियन का है, US डॉलर का, जो कंटिन्यू ग्रोइंग होता हुआ है $15.65 बिलियन विद इन 5 ईयर होने वाला है। तो इसमें ग्रोथ में जो काम मेजर प्लेयर एक्साइड, लुमिनस और टाटा, इस तरह की चीज़ें इसमें वर्क करने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर इसमें आप देखते हो तो उसका जो CAGR देखने को मिल रहा है 16.8% से ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 24 to 29। तो ये इसमें ग्रोथ इस तरह की देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे अगर आप ओवरऑल कंडीशन देखते हैं। तो इंडियन बैटरी का है जो ट्रेंड है उसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। साथ में जो मेजर प्लेयर हैं इवन एक्साइड और हमारे राजा बैटरी तो ऑलरेडी वर्क करते हैं, लुमिनस भी वर्क कर रहा है, बट इसमें जो टाटा मोटर्स है उसका भी इन्वेस्टमेंट टाटा पावर के थ्रू है। और साथ में अगर दूसरा देखते हैं तो जो मारुति है, मारुति सुजुकी भी ऑलरेडी तोशिबा और कंपोनेंट के साथ में जो MNCs कंपनी है गुजरात में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो ये इसमें ग्रोथ देखने को मिले क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बैटरी मार्केट है, मार्केट साइज में भी एज़ पर प्रोडक्शन और यूनिट प्राइस इन सब में भी ग्रोथ देखने को मिले 2019 से 23 तक का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस ग्रोथ देखने को यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल सेगमेंट अच्छा है, बेटर है, यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें देख रहे हैं हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी, ये सब इमर्जिंग मार्केट में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से ओवरव्यू जो है ज़बरदस्त है और आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टॉप मेजर कंपनीज़ की अगर बात कर लेते हैं, जो मेजर बैटरी मेकर्स बहुत हैं, लेकिन मेजर हम 5 की बात करेंगे। जो एज पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन अभी जो कंटिन्यू चल रहा है उसके बेस में अगर आप देखते हो तो ईवी सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक्सपेक्टेड है मोर देन
ट्रिपल होना 2025 तक। और टू व्हीलर्स में ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है, फोर व्हीलर में अभी टाटा लीडिंग में है, लेकिन आने वाले टाइम में जब मारुति और हुंडई का भी इसमें रोल आने वाला है। तो इसमें जो मेन प्रेजेंट रोल प्ले करेगा लिथियम आयन बेस्ड बैटरी का रोल रहेगा, जो कमर्शियली 1990 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी ईवी के सेक्टर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इसका यूज ऑलरेडी होता हुआ देखने को मिला। साथ में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि डिमांड जो प्रोजेक्शन है फर्दर इंक्रीज होने के लिए 17x से ग्रोथ इशू होने की देखने को मिलेगी, जो 2030 तक देखने को मिल सकती है। साथ में अभी कुछ न्यूज इम्पैक्ट आ रहा है जो लिथियम आयन बैटरी उसका यूज जो इन्वर्टर बेस डोमेस्टिक कुछ है उसमें भी होने के चांसेस बनेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो बिग प्रोजेक्शन है उसके लिए ग्रोथ होना डेफिनेटली, अभी जब प्रेजेंट कंडीशन की बात कर सकते हैं तो 5% ईवी पे टैक्स है और लिथियम आयन में 18% हो सकता है। अभी जो बजट आया उसमें आपको कुछ यहाँ पे चेंज भी होता हुआ देखने को मिले। तो टॉप मेकर्स जो है अगर उसी बात कर लेते हैं तो अमर राजा बैटरीज है, एक अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, साथ में एक्साइड इंडस्ट्री है, टाटा पावर ऑलरेडी वर्क कर रहा है, हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी के थ्रू इसमें वर्क कर रहा है, टू व्हीलर में काफ़ी अच्छा इसका शेयर है। साथ में मारुति की अगर बात कर रहे थे, मारुति के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस में डिस्कस किया था, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर फॉर्मेशन किया तोशिबा एंड डेंसो के साथ में, जो ऑलरेडी इसमें हाइब्रिड कार के लिए पोर्टफोलियो में वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी मार्केट को देखने को मिल सकता है। तो इन सभी कंडीशन के लिए अच्छा रिजल्ट है और अच्छा अपडेट है। साथ में मार्केट में जो पिछले 6 महीने में डबल हो चुके हैं स्टॉक्स, उसके विषय में हम कुछ देखते हैं। उसमें एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा बैटरी दोनों इम्पोर्टेंट है। इन्होंने लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली। अमर राजा बैटरी के विषय में अभी जो रिसेंट अपडेट आई है अगर उसको आप देखते हैं तो इसमें आज 20% का हाइक लगाया है, जो इन्होंने GIB एनर्जी एक्स जो चाइनीज कंपनी है उनके साथ में टाई अप किया है। जो अमर राजा बैटरी है इन्होंने आज रिकॉर्ड हाई हिट किया है, क्योंकि जो अमर राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है जो इसकी सब्सिडरी ओन सब्सिडरी है, उन्होंने GIB एनर्जी एक्स साइन ऑफ किया है, जो लिथियम आयन के सेल को एक दूसरे की तरह टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करेंगे, उसका ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिला है। इसके बाद में चार्ट के पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन होता हुआ आपको अमर राजा बैटरी के चार्ट में होता हुआ देखने को मिला है। इसको मैं थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में अगर करता हूँ तो बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। पिछले अगर केवल आप इसको कंसीडर कर लेते हैं कि जिसका फॉर्मेशन हुआ है 2024 में ही ये आपके पैसे को डबल कर दिया है इसने। 2024 में ये कहीं 700-800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 750 से लेकर 800 के बीच में ट्रेड कर रहा था, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 800 के आसपास। तो यहाँ पे अभी भी स्टिल पोटेंशियल बना हुआ है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो आपको जब भी इसमें डिप का मौका मिले तो पोटेंशियल बाइंग स्टॉक है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट लेवल पे हैं, ये आपके लिए अलर्ट लेवल दे सकते हैं। साथ में एक्साइड इंडस्ट्री की अगर आप बात कर लेते हैं तो एक्साइड इंडस्ट्री का जो टाइप हुआ है हुंडई मोटर्स के साथ में, हुंडई के साथ में टाइप होने के बाद में इसका ज़बरदस्त फॉर्मेशन होता हुआ देखने को, अगर इसको 2024 में केवल आप 6 महीने का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ इसने भी अपना डबल प्रोजेक्शन कर दिया है। जहाँ ये 250 से 300 के रेंज में ट्रेड कर रहा था 2024 में, इवन अगर आप देखते हैं पिछले 300 से 600 का टारगेट से हिट कर दिया, तो डबल कर दिया है यहाँ पे। फर्दर इसमें ग्रोथ अभी भी बाकी है, तो आपको इस स्टॉक में देखना पड़ेगा। ईवी सेक्टर आने वाले दिनों में काफ़ी ग्रोइंग हो सकता है और इसमें वन बाय वन नए नए प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये न्यूज़ कंटेंट बेटर लगे होंगे। आपको ये वीडियो थ्रोली देखना है और वन बाय वन करके कंडीशन को समझना है। हम बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इवन अगर हम कोई पेनी स्टॉक भी देखने जाते हैं तो वहाँ भी हमें बिजनेस में ही इन्वेस्ट करने के लिए देखना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी मैंने पेनी स्टॉक के विषय में वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।